आज आपको पंजाबी मैशअप सुनाते हैं। आंटी की तो शादी हुई, बड़ी आंटी तो डेली खाना बनाते हैं, मैं थोड़ी ना बनाता डेली खाना है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बॉय ASR। तो आज है संडे, ठीक है, तो शाम को हेड पे भी जाएंगे, तो अभी करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो लेट्स गो। तो भाई आज मैंने सोचा कि बनाते हैं बेलपुरी, तो मम्मी और बाजार गए थे, वहां से लेके आए बेलपुरी वाली नमकीन। तो ठीक है, तो आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगा बेलपुरी, ठीक है। तो करते हैं ट्राई। ये हमारे पास यहाँ पे है कुछ प्याज जैसी चीज है ये, और कुछ नींबू जैसा भी पड़ा है, और यहाँ पे धनिया है और मिर्च है, और मेरे साथ यहाँ पे कद्दू, ओ सॉरी गुड्डी आंटी भी है। तो आंटी मेरी हेल्प करेगी, तो काटते हैं। चलो पहले प्याज काटा जाए। बारीक काटना, बारीक कहीं प्याज काटते काटते मेरे हाथ के दो हाथ हो जाएंगे। ये काट दिया गया प्याज, ठीक है आंटी, ऐसे काट दो यार, थोड़ा काट काट, काटने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे काट देता हूँ डायरेक्ट, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बारी काट यार, काट में थोड़ी सा, एक बार ट्रायल तो होने दो। वाह वाह भाई वाह, आंटी तो ट्रेंड है, अब क्या करें यार, आंटी की तो शादी हुई, बड़ी आंटी तो डेली खाना बनाते हैं, मैं थोड़ी ना बनाता डेली खाना है कि नहीं। बस बस बस, बहुत है बहुत है। उसके बाद ये बेलपुरी पड़ी है, पहले बेलपुरी डालनी है। बेलपुरी डाल दो, बेलपुरी के साथ में यार ये भी आ गया यार, ये क्या है, चौधरी नमकीन मट्ठी क्या लिखा है यार थोड़ी। उसके बाद हम काटेंगे यहाँ पे मिर्च, इसमें काट देता हूँ, ये देखो मिर्च भी काट दी, थोड़ा सा क्लोज में आके दिखा दीजिए। ये हमारी मिर्च बेड पे चलेगी, ये हमने डाल दी मिर्च, गैस पे लगाना है इसे। उसके बाद थोड़ा सा काट देते हैं धनिया, धनिया काट दो, और ये क्या है टमाटर, टमाटर भी काटना है ये भी, है ना, सही है। ये घास फूस क्यों खा रहे हैं हम, वैसे है कि नहीं, इससे बढ़िया बेलपुरी। ये टमाटर तो मैं काट देता हूँ, टमाटर ये बीच में से काटो इसे ऐसे, फिर एक और बार काटो ऐसे, फिर ऐसे बारीक और बारीक। आज यार मुझे मास्टर शेफ बनाते रहेंगे, ये जल मुझे कट ही नहीं रहे हैं ये तो। अरे यार आंटी पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है, आंटी चुपचाप बैठते रहो वीडियो बनते हैं। और यहाँ पे ये भी किया टमाटर। आज इस बेलपुरी को मैं ट्रेन में बेच के आऊंगा, मैंने सोच रखा आज मैं रोपड़ की जितने भी है ना ट्रेनें सब में चढ़ के बेलपुरी ले ले, 20 रुपए की बेलपुरी। चलो ये भी काट दिए गया है, अभी इसके अंदर से तो गुर्दे बाहर आ गए क्या, चलो तो भाई कुछ अभी का सीन तो कुछ ऐसा है, ऐसे बन चुकी है, ठीक है। बाकी ये नींबू तो मुझे अच्छा निचोड़ना आता है, सारे निचोड़ दो भाई, गाइस देखते हैं कैसा बनेगा ना। लो भाई प्याज और काटना, तो यहाँ पे है चटनी भी डालनी है, टेस्टी पिक्सल स्नैक्स ड्रेसिंग, वाह। चलो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग टेक्निकल गुरुजी के साथ। और ये डाल दी गई है चटनी बड़ी अच्छी तरीके से, तीखी बन जाएगी। अरे आंटी ये देखो यार, आंटी नींबू तो इसके अंदर ही डाल दिया यार, मैंने कब डाला यार, आप ही ने डाला है। सेब भी डाल दो, थोड़ा सा सेब भी डाल देते हैं ना, इसको आधा काट दो। ये तो सच में डाल गई, अब मिक्स इसे काम करते हैं, वो वाले स्टाइल से कर दो, आसमान में करते हैं इसे कर दो। चलो जी ये हो रही है यहाँ पे बेल पूरी मिक्स, ये देखिए क्या मस्त दिखने लग गई है, तो एकदम से ये वाला प्याज मैंने काटा था ये। अरे यार ये बड़ा है। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी बेल पूरी, अगर आपको खाने के लिए मिल गई तो ये बन चुकी हमारी बेल पूरी। ओ ये देखो राइट, पतंजलि का घी वाला सॉरी हनी वाले डब्बे में हमने उसका रिसाइकल करके इसके अंदर डाला है ब्लैक नमक, सॉरी काला नमक। तो ये कितना डालना है, एक चम्मच,
फिर डाल दे अपना डाल देते हैं। चलो भाई ये लो जी, अब करते हैं पूरा मिक्स करेंगे, टेंशन मत लो, एकदम से बढ़िया भेलपूरी खिलाएंगे आपको। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स आज उनके लिए भेलपूरी मिल रही है, तो वो जब भी मुझे मिले तो मीठे भेलपूरी ले सकते हैं। ठीक है, ये बन चुकी है हमारी भेलपूरी, आप ये थोड़ा सा क्लोज में आके देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं थोड़ी आंटी ये लो टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। ठीक है, दो हाथ क्या कर रहे हो, एक हाथ करो। क्या हो गया दस? अच्छा मस्त मस्त, वाह। चलो भाई आंटी ने तो कर दिया रिजेक्ट, सॉरी सक्सेसफुल। बहुत अच्छी बन गया यार, बाजार गए थे वहां से लेके आए बैट, देखो आंटी कितने का? ये 20 रुपए का है। 20 रुपए का बैट ले गया आंटी, पता कितने का बोल रहा था? 100 रुपए का बोल रहा था। आंटी को लगा भी नहीं 100 का, आंटी कहती मैंने तो लेना ही 20 रुपए का, देखा 20 का बैट भी और बॉल भी ले आए, देख रहे बार्गेनिंग। तो आंटी को पहले घर छोड़ने चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। क्या आया था बेला चौक पे, जूस पीते हैं, फिर चलते हैं हेड पे, फिर अमन से भी मिलाएंगे आपको। तो ऐसे ही देखते हैं ये किलो आप सारे अमन से। ठीक है, अमन एक हफ्ते बाद आ रहा है हमारे ब्लॉग में। ठीक है, तो इसको ना बुलाने के लिए बड़ा बड़े प्रयास करना पड़ता है, सर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले, तो बिजी है, बिजनेसमैन है। तो अभी चलते हैं, आज बहुत ज़्यादा रश है, तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए। हेड पे आ चुके, ऋषभ भाई भी आ चुके हैं पीछे, तो आपको सुनाते हैं अल्लाह वारियां आज, तो ऐसे ही देखते रहिए। आप हर बार हिंदी सॉन्ग भी सुनते, तो आज आपको पंजाबी मैशअप सुनाते हैं। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे ऋषभ और यहाँ पे जवाहर, और आपको मेरा तो पता ही है, तो करते हैं स्टार्ट। चन चाननी रात वहर मां, दिल टिमटिमाते तारे, चन चाननी रात वहर मां, मौदे तारे। ओ पिछली गली विच आ जा सोनिया, सौंगे मिलते सारे, चन चाननी रात मेहरमान, मौदे तारे। क्या बात है बेचिटा, क्या बात है, कल दसी कि ना बताई रात है, क्या बात है मैं जट्टा, क्या बात है, कल दसी कि ना बताई रात, बताओ तारे किड़े होने, क्या बात है, क्या बात है, तारे किड़े होने, क्या बात है, क्या बात है, ओनू भी नहीं मेरे मंग दसिया होना, भी कल मोदे से धोखिया की आई रात है, क्या बात है मैं जट्टा, क्या बात है, कल दसी कि ना बताई रात है, चांदनी रात मेहरमान, मौदे तारे। तारा जमा पुछे दामा, पच पच दामन बेड़ा, शी
ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੌ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਮਹਿਰ ਮਾਂ ਟਿਮਾਉਂਦੇ आपको कैसा लगा सॉन्ग कमेंट्स में बता देना। और आपको पता ही आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं खत्म, तो आपको एक ही काम करना है सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।